सौभाग्य का विषय है कि महारानी लक्ष्मीबाई का बलिदान दिवस भी है और हम स्वतंत्रता आंदोलन का उत्तर प्रदेश के संदर्भ में विमर्श के लिए उपस्थित हैं। आज का विषय व्यापक है, घंटों बोलने पर भी पूर्णता की स्थिति का ना आना स्पष्ट है। उत्तर प्रदेश भारत की राजनीति का केंद्र, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का एक मुख्य केंद्र, जहां से व्यक्तित्वों का निर्माण, दिशा निर्देशों का निर्माण, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिकांश अधिवेशनों का होना, भारत के किसान आंदोलन की पृष्ठभूमि का निर्माण, भारत के क्रांतिकारियों की एक विचारधारा की उत्पत्ति, भारतीय स्वतंत्रता में स्वराज की अवधारणा, इन अनेकों प्रश्नों की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से, या मैं कहूं कि भारत के राष्ट्रीय स्वय जागरण में, स्वतंत्रता के आंदोलन में उत्तर प्रदेश का कहीं पर अगर सहभागिता नहीं है तो वह आंदोलन कम से कम मुझे तो नहीं दिखलाई पड़ता। बैरकपुर में शुरू हुए स्वतंत्रता के प्रथम समर तत्काल ही मेरठ उत्तर प्रदेश में आ जाता है। मेरठ में किस प्रकार से उसकी ज्वाला विकसित होती है और बरेली में आते आते तक बरेली एक स्वतंत्र राजसत्ता के रूप में मई 57 में घोषित होता है। 31 मई को वर्तमान में जो कोतवाली है वहां पर रोहिला ध्वज का आरोहण करके रोहिलखंड की स्वतंत्रता को घोषित किया जाता है। यहां से भारतीय स्वतंत्रता का क्रम प्रारंभ होता है। शायद ही भारत में किसी प्रदेश में या किसी रियासत में या किसी क्षेत्र में प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन के समय ही एक समग्र स्वतंत्रता का भाव या अवस्थिति उत्पन्न हुई हो, ऐसा बरेली में मुझे देखने को मिलता है। इस 25 मिनट के व्याख्यान में समग्रता के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन को समेट पाना मेरे लिए तो कम से कम संभव नहीं है। मैं उत्तर प्रदेश की कुछ ऐसी घटनाओं को ही केवल रेखांकित करूंगा जो विशेष रूप से बरेली के संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा। तो रोहिलखंड की स्वतंत्रता के बाद जिस प्रकार से भारत में रोहिलों के माध्यम से एक स्वय जागरण अंग्रेजी औपनिवेशिकवाद के प्रति स्थिति निर्मित हुई, उस अनुक्रम में हम देखते हैं कालांतर में 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, जिसमें मात्र 72 प्रतिनिधि भाग लेते हैं, उसके तत्पश्चात बरेली में 105 राष्ट्रवादी व्यक्तित्व पंडित द्वारका प्रसाद के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करते हैं। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण मैं उल्लेखित करना चाहूंगा, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रारंभिक चरण में जब गांधी जी के आने से पूर्व एक उदारवादी व्यवस्था के अंतर्गत समन्वयवादी समझौतावादी प्रस्तुतिकरण के माध्यम से कांग्रेस अंग्रेजों के समक्ष अपने निवेदनात्मक प्रस्ताव रखती थी, उस समय महिलाओं की सहभागिता अधिकांशतः समग्र भारत में बहुत निम्न थी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पुरुषों के बराबर तो नहीं लेकिन उनके समान अधिकांश महिलाओं ने बहुत अपनी भागीदारी ली। और बरेली के संदर्भ में हम जब स्वय जागरण की बात करते हैं तो 1911 में सबसे पहली बार
हिंदू महासभा की स्थापना होने पर बरेली में कांग्रेस ने किसी प्रकार भी किसी भी बैठकों में किसी भी कार्यक्रमों में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश राज्य के विरुद्ध कोई भी प्रस्ताव पारित नहीं किया। 2011 तक ऐसे अभिलेखागारीय में उपलब्ध साक्ष्य बतलाते हैं। सर्वप्रथम मार्च 1 मार्च के लीडर में जैसा प्रकाशित है, संभवतः फरवरी की घटना हुई होगी, डेट स्पष्ट उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन हिंदू महासभा ने अपनी बैठक करके उसमें सबसे पहले ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध स्पष्ट प्रस्ताव पारित किया। बरेली के संदर्भ में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना मानी जा सकती है। इसी प्रकार से जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ महात्मा गांधी का, तो समग्र उत्तर प्रदेश में सत्याग्रहियों ने भाग लिया। गांधी जी के कार्यक्रमों के अनुरूप आंदोलन चल रहा था। सर्वविदित है ये 4 फरवरी 22 में चौरा के घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया। उत्तर प्रदेश में इसका प्रभाव एक अलग रूप में हमें देखने को मिलता है। पहले तो अपने आप में एक जन स्वयंस्फूरित ये घटना थी, कोई कांड नहीं था। उसका प्रभाव हमें स्पष्ट रूप से बरेली में दिखाई पड़ता है कि अगले ही दिन 5 मार्च 1922 को स्थानीय अखबार बतलाते हैं 4,000 से अधिक व्यक्तियों ने टाउन हॉल में एकत्रित होकर पुलिस प्रशासन को पंगु बनाने के लिए एक जन सैलाब बरेली में देखा गया। लेकिन इतिहास के पन्नों में ये घटना प्रायः हमें देखने को नहीं मिलती। स्थानीय इतिहास में मिलती है। एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी प्रताप चंद आजाद ने, जैसा कि मैंने देखा कि 9 खंडों में के तृतीय और चतुर्थ खंड में संभवतः इसका उल्लेख किया है, लेकिन एक ऐसी घटना जो जिसके कारण चौरा चौरी की घटना के कारण एक राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन का स्थगन होना और उसके बाद उसका प्रभाव स्पष्ट रूप से अगले ही दिन इतने बड़े जनसमूह के असंतोष के रूप में बरेली में आना एक सामान्य घटना नहीं थी। नेतृत्वहीन था, किसी ने आह्वान नहीं किया गया था, लेकिन स्वयंस्फूरित था, सभी स्वयं के द्वारा स्वयं का जागरण था। लोग एकत्रित हुए और उनका आक्रोश हमें वहां पर दिखलाई दिया। एक बरेली के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण विषय अगर आता है वो बरेली कॉलेज, जिसकी 1837 में स्थापना होती है और 1857 के घटना में भी अनेकों अरबी फारसी पढ़ने वाले विद्यार्थियों ने इस आंदोलन में खान बहादुर खान को परोक्ष रूप से मदद की। तो बरेली कॉलेज का इतिहास भारतीय स्वतंत्रता इतिहास में और मुख्य रूप से अगर मैं कहूं उत्तर प्रदेश के स्वतंत्रता आंदोलन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। पंडित प्राणनाथ के प्राचार्य बनने से पूर्व अधिकांश प्राचार्य वहां पर अंग्रेजी भी रहे, लेकिन वह बरेली कॉलेज प्रत्येक आंदोलन में राष्ट्रवादी घटनाओं का केंद्र रहा और एक सबसे बड़ा समन्वय की बात है वो क्रांतिकारी गतिविधियों का केंद्र भी रहा, समाजवादी विचारधारा का केंद्र भी रहा, गांधीवादी विचारधारा का केंद्र भी रहा। तो इस प्रकार से बरेली कॉलेज के शिक्षकों ने प्रत्येक आंदोलन में और भारत छोड़ो के आंदोलन के समय, तो मैं देखता हूं जो स्थानीय समाचार पत्र है या लेखागार में उपलब्ध होम पॉलिटिकल्स की जो भी फाइल्स है उनको देखकर लगता है कि शायद बरेली में भारत छोड़ो आंदोलन को पूर्ण रूप से बरेली कॉलेज ही नियंत्रित कर रहा था, चाहे निरंकार देव सेवक हो, चाहे प्रताप चंद आजाद हो,
चाहे राममूर्ति हो, चाहे पंडित द्वारका प्रसाद मिश्र हो, वह सभी बरेली कॉलेज के उस समय के छात्र थे। प्रताप चंद आजाद तो प्रताप चंद सक्सेना के रूप में थे, उन्होंने अपना नाम बदलकर आजाद कर लिया था। वह बरेली कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष भी थे और भारत छोड़ो आंदोलन में उनकी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही। तो इस प्रकार से अनेकों छात्रों ने, अनेकों शिक्षकों ने, इसमें कोई संदेह नहीं कि भारत की अनेकों शैक्षणिक संस्थाओं ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में भागीदारी की, लेकिन चूंकि एक संस्थान पूरी गतिविधियों को नियंत्रित करता हो ऐसा अन्य स्थानों पर देखने को नहीं मिलता है। मेरठ कॉलेज, आगरा कॉलेज, डीएवी कॉलेज कानपुर, ये बड़े बड़े संस्थान उत्तर प्रदेश के थे जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका रखते थे। और यहाँ के शिक्षक भी, यहाँ के छात्र भी राष्ट्रीय आंदोलन में कहीं ना कहीं लगातार भागीदार थे। लेकिन बरेली कॉलेज में चूंकि प्रशासन का जो ढांचा था आज भी है, और इन कॉलेजों में की तुलना में मेरठ कॉलेज, आगरा कॉलेज में तो समाज रूप से कुछ प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं प्रबंध तंत्र में, लेकिन डीएवी कॉलेज पूर्ण रूप से एक प्राइवेट संस्था थी। फिर भी बरेली कॉलेज में चूंकि अंग्रेजी अधिकारी उसके प्रबंधन में होने के बावजूद वहाँ के शिक्षकों ने, वहाँ के छात्रों ने कभी भी राष्ट्रवादी गतिविधियों में भागीदारी करने से परहेज नहीं किया। उत्तर प्रदेश में अनेकों घटनाएं हुई, राष्ट्रीय स्तर की घटनाएं हुई, चाहे वो काकोरी कांड हो, चाहे चौरा चौरी हो, या भारत का महात्मा गांधी के नेतृत्व में कोई भी आंदोलन हो, प्रत्येक आंदोलन में प्रत्येक जिले में उसकी सहभागिता स्थानीय स्तर से लेकर, और जो सबसे महत्वपूर्ण, मैंने चूंकि बरेली पर काम किया है इसलिए उसको ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, उसको मॉडल मानकर कह सकता हूँ कि बरेली में जिस प्रकार से मैंने देखा, और उसके बाद मैंने ग्वालियर के राष्ट्रीय आंदोलन पर भी काम किया, चंबल के काम किया, तो दोनों में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कुछ क्षेत्रों की अगर मैं चर्चा करूँ तो एक भेद मुझे दिखलाई पड़ा कि मध्य प्रदेश में महिलाओं की भागीदारी बहुत कम थी और ग्रामीण अंचल में तो भागीदारी बहुत ही कम थी, जबकि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में सहभागिता राष्ट्रीयता के भाव का कोई भी बहुत बड़ा अंतर नहीं था। नेतृत्व शहरी पढ़े लिखे लोगों के हाथ में था, ये निश्चित रूप से है, लेकिन किसान आंदोलन जितने पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मेरठ हो, आगरा हो, हापुड़ हो, उस समय बहुत छोटा सा था, चंदोसी बहुत बड़ा छोटा सा टप्पा था, कस्बा भी नहीं था, ऐसे ऐसे स्थानों पर कार्यक्रमों का होना, किसान आंदोलनों का होना इस बात का द्योतक है कि उत्तर प्रदेश का किसान राष्ट्रीय आंदोलन में किस साजिदगी के साथ, किस गंभीरता के साथ प्रतिनिधित्व कर रहा था। समग्रता में अगर मैं कहूं कि तो उत्तर प्रदेश के जो स्वतंत्रता संग्राम की कहानी महारानी लक्ष्मीबाई से प्रारंभ होती है, वो उत्तर प्रदेश के गोविंद बल्लभ पंत हो या उत्तर प्रदेश के अनेकों स्वतंत्रता सेनानी है, क्रांतिकारी चंद्रशेखर से लेकर कि संपूर्णानंद जी है, किसका भी नाम लिया जाए, ऐसे अनेकों स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की अपनी महती भूमिका है। और अगर हम भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक दृष्टि से हम देखें तो किस प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर एक समन्वयवादी व्यवस्था विचारधारा, उसके बाद समाजवादी व्यवस्था, समाजवाद के बाद एक गांधीवादी, फिर उसके बाद सुभाष चंद्र बोस का सैन्यवाद, सैन्यवाद के बाद सांप्रदायिकता का उदय, तो ये जो बैचारकी का क्रम राष्ट्रीय आंदोलन में चला, उस प्रत्येक बैचारकी में, प्रत्येक स्तर पर हम देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की सहभागिता कहीं ना कहीं होती है। और
कई उल्लेख हमें अभी तत्काल में देखने को, जब आर्काइव्स में ये नई फाइलें INA की खुली तो पता चला कि बरेली कॉलेज के अनेकों छात्र सुभाष चंद्र बोस की सेना में थे। ऐसा उल्लेख कभी राष्ट्रीय स्तर पर नहीं आया, ऐसा हमें कहीं पर वो नहीं मिलता है। लेकिन अब जो नई फाइल्स खुल रही हैं, सारी पारदर्शिता बढ़ रही है, इतिहास की इतिहास को राष्ट्रीय दृष्टि से देखने की दृष्टि बढ़ी है, तो ऐसे में हमें और अधिक इस अपने अमृत महोत्सव के माध्यम से, मैं तो कहूँगा भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद भी ग्रामीण अंचल से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक इस प्रकार के लेक्चर्स, इस प्रकार की सेमिनार वर्कशॉप आयोजित कर रही है, तो ये बहुत ही अच्छा प्रयास है। लेकिन मैं आयोजकों से आग्रह जरूर करूँगा कि इसमें समय को थोड़ा सा आना आवश्यक है या विषय को कुछ सीमित करना आवश्यक है। कई बार इतना बड़ा विषय समेट पाना समझ में नहीं आता है कि किस कहाँ से शुरू और कहाँ अंत हो। तो इस सामान्य रूप से मैं इतना ही कहूँगा कि जो मुझको 25 मिनट का समय मिला था कि भारत के इस अमृत महोत्सव में जो हमने ऐतिहासिक गलतियां की हैं या इतिहास में ऐसे नायकों को, ऐसे स्थानों को, जैसे उदाहरण के रूप से मैं कहूँ कि बरेली में कचहरी के पास एक पेड़ आज भी है जिस पर कि हजारों स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई। मुजफ्फरनगर में ऐसे ही स्थान है, ऐसे स्थानों को चिन्हित करके उनको एक पवित्र स्थान के रूप में, स्वतंत्रता स्मारक के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। जिससे अब बरेली के लोग कुतुब खाने के विषय में लोग कहते हैं कि लाइब्रेरी थी, लेकिन टाउन हॉल में जितनी गतिविधियां संचालित होती थी उतनी शायद मैं समझता हूँ पूरे रोयलखंड मंडल में किसी अन्य स्थान पर हमें देखने को नहीं मिलती है। तो इस अमृत महोत्सव के माध्यम से हम तो प्रयास कर ही रहे हैं और इसके परिणाम भी आएंगे कि जो हमारे लेसर नोन पर्सनालिटीज, इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारी ऐसी संस्थान है, 240 से अधिक सोसाइटीज प्रतिबंधित हुई, 450 से अधिक समाचार पत्र समय समय पर प्रतिबंधित हुए, उन सब पर समग्रता के साथ और उन 200 उसमें से 200 के आसपास उत्तर प्रदेश से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र थे, जिस पर डॉक्टर संतोष भदौरिया की एक प्रकाशित पुस्तक है प्रतिबंधित पत्रकारिता, और डॉक्टर नरेंद्र शुक्ला ने भी उत्तर प्रदेश के संदर्भ में पत्रकारिता पर अच्छा कार्य किया है स्वतंत्रता आंदोलन के। तो ऐसे विषयों पर, एक एक विषय पर अगर विमर्श इस 25 मिनट में होगा तो निश्चित रूप से एक अच्छा विषय निकल कर आएगा। मैं समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए यही कहूँगा कि इस अमृत महोत्सव का जो उद्देश्य है वो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय अपनी इस श्रृंखला के माध्यम से निश्चित रूप से बहुत एक पुनीत कार्य कर रहा है। उसके लिए मैं विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति को बधाई देता हूँ, आयोजक मंडल को और अब इस लखनऊ केंद्र की निदेशिका डॉक्टर मनोरमा सिंह को बधाई देता हूँ कि उन्होंने यह कार्यक्रम ने मुझे अवसर दिया। और निश्चित रूप से मैं 2 माह से जिस प्रकार से पारिवारिक और वैश्विक परिस्थितियों से था, लगातार आग्रह में समय नहीं दे पाया, और 2 माह के बाद शायद ये मेरा पहला कार्यक्रम है जब मैंने आज कुछ उस मानसिकता से निकलने की चेष्टा की है। मैं निश्चित रूप से स्वीकार कर रहा हूँ कि जो विषय मुझे रखना चाहिए वो शायद मानसिक पूर्ण स्वस्थता की स्थिति के कारण नहीं रख पाया, लेकिन फिर भी मेरा ध्येय क्योंकि बरेली को केंद्रित करके था, किस प्रकार से प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन में स्वतंत्र सरकार की स्थापना होना है, 31 मई 57 को वहाँ पर कोतवाली में स्वतंत्र रोयलखंड को घोषित करना से लेकर असहयोग आंदोलन में सहभागिता, नमक बनाने के लिए बरेली के लोगों का विभिन्न प्रकार की गंगा के किनारे जाना, राम गंगा पर नमक बनाने का प्रयास करना, सबने अविज्ञा आंदोलन में 4000 से अधिक लोगों की भागीदारी, 470 लोगों की गिरफ्तारी, उसके बाद
भारत छोड़ो आंदोलन में बरेली कॉलेज का महत्वपूर्ण योगदान, पत्रकारों का योगदान, और सबसे महत्वपूर्ण बरेली के संदर्भ में मैं कहूँ तो अधिवक्ताओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। और सामाजिक वर्गीकरण हम स्वतंत्रता के अंतर्गत नहीं करते हैं, लेकिन बरेली में चूंकि एक विशेष कायस्थ संप्रदाय, बहुत कायस्थ समाज बहुत अधिक है, तो अधिकांश ने जितनी भी गिरफ्तारी हुई उसका जो स्टैटिकल डाटा देखा गया तो मोर देन 30% कायस्थ समाज से ही गिरफ्तारी हुई। इसका बहुत बड़ा योगदान स्वतंत्रता आंदोलन में रहा। तो एक समाज के आधार पर ऐसा विषय नहीं आना चाहिए, लेकिन हाँ, इस उन व्यक्तित्वों का, चाहे देव मूर्ति जी हो, चाहे देव प्रताप चंद आजाद हो, चाहे विद्यार्थी जी के हो, निरंकार देव सेवक हो, द्वारका प्रसाद जी हो, अन्य जी हो, राम बाबू सक्सेना हो, ऐसे अनेकों 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 लोग हैं, ऐसी अनेकों महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी वर्किंग कांग्रेस कमेटी की स्थापना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होने के तुरंत बाद बरेली में कर दी थी, जिसमें प्रमुख रूप से मैं कहूँ गंगा देवी का बहुत बड़ा योगदान था बरेली की। तो होते होते जिस प्रकार से स्वतंत्रता हुई और प्रत्येक प्रकार का, चाहे वो क्रांतिकारी गतिविधियां हो, उस समय भगत सिंह के चाचा जी बरेली कॉलेज में विद्यार्थी थे LLB में, इसी प्रकार से अनेक क्रांतिकारियों से बरेली जुड़ा रहा, अनेकों सुभाष चंद्र बोस के जो सेना थी उसमें अनेक बरेली से सम्मिलित हुए, और तो पूरा एक समग्र चित्रण हम देखें 1857 से लेकर 1947 तक, तो उत्तर प्रदेश की तो भूमिका एक राष्ट्रीय स्तर पर बहुत महत्वपूर्ण थी ही, अनेकों राष्ट्रीय नायकों को दिया, लेकिन हाँ, बरेली में जिस प्रकार से स्वतंत्रता आंदोलन प्रत्येक आंदोलन में सक्रिय रहा, वहाँ के किसी भी व्यक्ति स्थान या संस्थाओं को बहुत अधिक स्थान नहीं मिल सका। यदि इस प्रकार से, इस माध्यम से वह प्रकाश में आएंगे व्यक्तित्व घटनाएं, तो निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण विषय निकल कर आएगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ।